हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने स्थान पर सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं एक और नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आप बोलेंगे ये ना सब कुछ खेतों का ही दिखाती रहती है और बाकी तो इन्जॉयमेंट का कुछ नहीं। तो सॉरी, प्लीज़, मेरा तो यही काम है तो मैं यही दिखा सकती हूँ आप लोगों को। और ये है आसपास का व्यू। और ये हूँ मैं। तो सुबह का हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया था। राहुल और राहुल के पापा चले गए शॉप को और अरमान भी अभी तैयार होके चला जाएगा वो बस में, दस वाली में जाएगा या 11 वाली में। और मैं हूँ घर में। तो मैं कर रही थी गुडाई कर रही थी किस चीज़ की, तो वो भी दिखाती हूँ। तो लेट हो गए थे हम, क्योंकि जब ओले बरसे थे ना तो हमारे रह गई थी मटर लगाने को, तो मैंने लगाई थी लेट मटर आलू के साथ। तो वो गुड़ रही थी, मैं गुड़ाई कर रही थी उसकी। छोटी छोटी सी है अभी ऐसे इस तरह से। और ये बांध रखी थी चारों तरफ जालियाँ, जाली लगा दी थी खेतों में जो जंगली जानवर घुसते हैं उससे रक्षा के लिए। और ये आलू वाला खेत है, उसी के साथ है, बचा हुआ था थोड़ा सा, तो इसमें मटर लगा दी थी मैंने। परे तक अभी गुडाई करने को है। और साथ में है परे गेहूं का खेत जिसमें सरसों के फूल है छोटे छोटे से। और ये है लहसुन, और लहसुन तो ये देखिए आप, ठीक ठाक ही हुआ है, अब तो चल ही रहा है, बढ़िया है जैसा भी है। और क्या दिखाऊं मैं अब आपको। तो इस तरह से होते हैं घर के और खेतों के काम। और मैंने भी नाश्ता कर लिया था बढ़िया, और अब मैं बैठ जाती हूँ, धूप तेज है। तो एक दीदी ने बोला था कि खेतों में थक तो जाती है, तो दीदी थक तो जाते हैं खेतों में काम करके, अच्छा भी लगता है क्योंकि बेले रहने से अच्छा होता है कुछ काम कर ले तो अच्छी बात होती है। और क्या बोला था, हाँ, जंगल वाली वीडियो डाली थी तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि वो ना मेरे ऐसे ही आ रहा था दिमाग में, मैं कहा चलो थोड़े सा इसमें साउंड इफेक्ट डाल देती हूँ, तो मैंने डाल दिए थे। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है काम करके, और जब साथ में जाते हैं तो बहुत इन्जॉयमेंट होता है और साथ साथ में काम भी हो जाता है। मैं 6 दिखाऊंगी आपको, मतलब लकड़ियाँ जो मैंने इकट्ठी कर रखी हैं ना सारी, मतलब 2-3 महीने हमने उसी में लगा रखे हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी किस दिन आपको। और अभी तो मैं खेत में आई थी, और क्या बोलूँ, टाइम नहीं लगता, सॉरी, किसी की वीडियो वॉच करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सुबह से शाम ना कुछ, कभी घर के काम, कभी खेतों के, फिर कहीं के, घर में जाओ साफ सफाई कुछ भी, बर्तन धोने को होते, खाना पकाने को होता है, फिर शाम के टाइम और काम होता है, जैसे हरा घास लाना पशुओं के लिए, चारा मतलब जो हरा होता है खेतों में हुआ है आजकल बहुत सारा, तो वो लाते हैं। और क्या बोलूँ, और बस ऐसे ही चला हुआ लाइफ में, मतलब क्या बोलूँ, गर्मी हो रही है अब थोड़ी थोड़ी सी, हल्का हल्का सा मौसम ठीक हो रहा है। और आजकल घासनियों में घास भी लाने को, तो वो भी बचा हुआ अभी मेरे, तो वो भी लाना पड़ेगा। तो बस मुझे टाइम नहीं लगता है, क्या करूँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता किसी की वीडियो वॉच करने का भी नहीं, सॉरी उसके लिए, पर क्या करूँ, जब टाइम लगेगा तो प्लीज़ मैं वॉच कर लूँगी सबकी वीडियो। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चला रहेगा काम। तो दिखाती हूँ मैं आपको मटर बैक कैमरे से। और
देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं ना, और इसमें इतने अच्छे आड़ू लगते हैं। कुछ पक्षी खा जाते हैं, कुछ हम लोग खाते हैं, सबका हो जाता है फिर गुजारा। ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं ना। और ये है लहसुन, तो लहसुन भी बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से करते हैं मटर की गुड़ाई, ऐसे करके। अभी ऐसे जो औजार होते हैं ना, अभी छोटे वाले लेने पड़ते हैं, अभी छोटी छोटी है ना, सही है, तो छोटे छोटे औजार लेने पड़ते हैं। और इस तरह से इसके पत्थर साइड भी करने पड़ते हैं, और इस तरह से गुड़ाई करनी पड़ती है। और जो भी खरपतवार आता है बीच में, घास, तो वो इस तरह से निकालना पड़ता है। और इसके ना जड़ों में नहीं लगने चाहिए, जो ये इसके नुकीलापन है ना, वो नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपके सूख जाएगा पौधा। और मैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डालती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने जो किचन गार्डन है उसमें कुछ ना कुछ लगाएं। और इस तरह से गुड़ाई हो जाती है। फिर ये देखिए आप, बोलते हैं ना कि मेरे देश की धरती उगले सोना, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, तो वही है कि जितना इसमें काम करेंगे ना, तो उतना ही देगी ये धरती माता। और सोना ही उगलती है ये, अभी तो चांदी बनाना पड़ता है ऐसे गुड़ाई करके, पत्थर उठा के इसका खरपतवार निकाल के चांदी बन जाएगा ना। जब ये हमारी गांव की लैंग्वेज होती है कि खेत का चांदी बनाना है अभी, तो उस तरह से बोल रही हूँ मैं भी आप लोग को। और इस तरह से हो गई गुड़ाई हमारी, और अभी मेरे इसमें 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही काम करती रहती हूँ ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। और जो भी नए लोग हैं, जो नए लोग हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियो को इस टाइम, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।